हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द पहाड़ी बंजारा। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे और काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट भी किया अपना यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने ये सोचा है और डिसाइड किया कि अपना यूट्यूब चैनल लेके आएंगे आप लोगों के सामने टू शो यू ब्यूटीफुल हिमाचल। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए हमें हमारी इस कोशिश को। कीप सपोर्टिंग अस एंड हेल्प अस ग्रो, ताकि हम नया नया ओरिजिनल कंटेंट लेके आए आपके पास। थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है दोस्तों। आज मैं अपने गांव सरठी जा रहा हूं, नारकंडा चबीशी वैली में एरिया पड़ता है। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता कि मैं अपने गांव जा रहा हूं और आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। अपना पहला वीडियो, अपनी पहला व्लॉग इसके बारे में बताऊंगा। गाइस, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं जर्नी। साढ़े नौ हो गए हैं, हमको निकले हुए लगभग एक घंटा हो चुका है। ठियोग हमने क्रॉस किया है। मौसम हल्का हल्का ख़राब हो रहा है। आई होप ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा बारिश ना हो। तो बस कंटिन्यू करते अपनी जर्नी। तो गाइस, नारकंडा पहुंच चुके हैं। 11 बजने वाले हैं। लगभग ढाई तीन घंटा हमको लग गया यहाँ पहुंचने में। अभी भी 15-20 किलोमीटर और जाना है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हम लोग लिंक रोड पहुंच चुके हैं, ओडे किंगल लिंक रोड। यहां से 6-7 किलोमीटर का रन रहेगा मेरा। टाइम ना वेस्ट करते हुए कंटिन्यू करते हैं। ऐसे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। आखिरकार हम पहुंच गए हैं। यहां से थोड़ी देर बाद सारा वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा। सड़क अभी तक नहीं है, तो जो हमारा सामान है हम उसको स्पेन में ऊपर भेजेंगे। स्पेन बोले तो टिब्बर ट्रेल टाइप्स, जिसमें सामान हम अप एंड डाउन करते हैं, क्योंकि अभी तक रोड नहीं है। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं स्पेन को। गाइस, ये स्पेन का ब्रेक सिस्टम है और ये स्पेन आती थी। अभी तो धुंध भी बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर का एरिया कुछ नहीं दिख रहा कि कितनी दूर से ये स्पेन आई है। काफ़ी साल हो गए इसको लगाए हुए, लगभग अपॉक्स 14 to 15 ईयर्स। बस इसी के सारे हमारा सारा सामान चलता है, हमारे एप्पल जिसमें आते हैं। तो सामान लोड कर लिया है, स्पेन जाने वाली है। रोड अभी नहीं निकला, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। बट गाइस, यही पहाड़ का फन है, इसका भी अपना ही मज़ा है। ऐसा प्लेन्स में तो होगा नहीं, क्यों भावा लोग। दोस्तों, तो सामान सारा भेज दिया है, हम भी वॉकिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ से सारा वॉकिंग ही है, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, लगभग 30-40% रास्ता कंप्लीट हो चुका है। रोड निकालने की ट्राई की थी, लेकिन ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजन, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, उस वजह से ये रोड यहीं की यहीं खड़ी रहेगी। काफ़ी दिक्कत होती है, जैसा मैंने आपको बताया था, सामान अप डाउन करना, एप्पल्स को मार्केट में ले जाना, काफ़ी दिक्कत होती है। बट इसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। देखते हैं, कभी सड़क का बनेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बट इसका अपना मज़ा है।
फॉरेस्ट के बीच में चलना, फ्रेश एयर, सीनरी, तो बस यही है। सड़क ना होने के अपने प्रोज भी है, कॉन्स भी है। गाइस यहाँ से सारा अब स्टीप क्लाइंब है, लगभग 15-20 मिनट्स के लिए क्लाइंब करना पड़ेगा एक पगडंडी पे। चलते रहते हैं फिर। गाइस लगभग 50% रास्ता कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है इस टाइम। हल्की हल्की धुंध है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये एप्पल ऑर्चर्ड्स ऊपर पूरे इस पर नेट लगाई हुई है जो हेल स्टॉर्म से बचाती है। इसके काफ़ी यूजेस हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है दोस्तों। ये सामने की वैली, ये वो सामने पार सड़क जहाँ से हम आए थे, बिल्कुल इसके लेवल में अभी तक हम पहुँच चुके हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है, लगभग पहुँच ही गए हैं। यहाँ से 15-20 मिनट लगेंगे अपने ऑर्चर्ड्स में, तो हम पहुँच चुके हैं एकदम से। दोस्तों बहुत ही तेज़ बारिश होगी, काफ़ी स्लिपरी हो गया है रास्ता। अब तो लाइटनिंग भी शुरू हो गई है, थंडर और लाइटनिंग। बस धीरे धीरे पहुँच जाएंगे ऊपर। ये एप्पल ऑर्चर्ड्स, एप्पल के ट्रीज। चलते रहते हैं दोस्तों। तो फाइनली घर दिख गया। अब तो पाँव ऑटोमेटिकली तेज जा रहे हैं घर की तरफ। थोड़ा भीग भी गया हूँ बट कोई बात नहीं, अब इसकी आदत सी पड़ गई है। मफी, ये मेरा लैब्राडोर काफ़ी एक्साइटेड होगा ये हमको देख के। मफी, काफ़ी ज़्यादा मिस किया इसको मैंने इतने टाइम पे। मत्था टेक लेता हूँ। मम्मी कहती है कि अपने घर की मिट्टी को छू के जाना चाहिए अपने घर को। मफी, मेरे पापा जी, मफी। मफी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हमको देख के। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मफी को देख के। तो गाइस अभी घर में चलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा भीग चुका हूँ। तो भाई लोग बारिश रुक चुकी है, मौसम अभी भी काफ़ी बादला है, बादल है, बहुत मौसम है, धुंध है। बट आप व्यू देखिए गाइस, दिल खुश हो गया, सारी थकान गायब होगी एकदम इसको देख के। कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं मफी के साथ बाहर आया हूँ, बारिश रुक चुकी है। मफी गाइस, ये सामने का एरिया और ये सारे एप्पल ट्रीज। यहाँ की हाइट लगभग 7400 फीट होगी, अपॉक्स 2230 मीटर्स। ये सामने नारकंडा है। काफ़ी टाइम बाद मैं अपने घर आया हूँ, लगभग 6-7 मंथ्स बाद। इट फील्स सो गुड टू बी बैक, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। जैसे कि बारिश रुक चुकी है तो घर वालों ने स्प्रे करना शुरू कर दिया है, वहाँ भी चलेंगे। तब तक आपको अपने घर का बैक साइड दिखाता हूँ। बारिश पूरी रुक चुकी है, मौसम काफ़ी साफ हो चुका है। ये मेरे घर का बैक एरिया। हमारी यहाँ पे मान्यता है कि जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे अपने लोकल डाइटी देवभू माता के पास मत्था टेकने ज़रूर जाते हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, एप्पल लीव्स, इसके बाद फूल आएंगे, फिर बर्ड्स, फिर एप्पल। तो बाबा लोग, मैं अपने सबसे टॉप के ऑर्चर्ड खेत पे आया हूँ। यहाँ से आप देख सकते कितना खूबसूरत नज़ारा है, माइटी हिमालय सामने दिख रही है। ये मेरा घर, अभी हम यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम स्प्रे करते हैं। ये लालू अंकल है हमारे घर के केयर टेकर। हम ज़्यादातर शिमला में ही रहते हैं तो घर इन्होंने ही संभाला है। ये PSO की स्प्रे कर रहे हैं, बाकी जो जितना भी प्रोसेस है, किस तरह से दवाई बनती है, जो जो है वो आपको मैं कल बताऊँगा। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों। सो दोस्तों यही था आज डे 1 के लिए, एपिसोड 1 के लिए। मैं थोड़ी देर मफी के साथ खेलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आपको मैं एक ब्यूटीफुल हाइपरलैप्स के साथ छोड़ देता हूँ। गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए हम लोगों को। कीप सपोर्टिंग अस, हम नए नए कंटेंट लेके आए। आई होप सो आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।